वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं HTML के स्ट्रक्चर की, कि HTML का स्ट्रक्चर किस तरह से हम लोग जो है वो डिफाइन करते हैं। सो आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग अपने HTML का स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, सिंपल हमने इस फोल्डर को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करेंगे। सो एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम लोगों ने HTML की फाइल क्रिएट करनी है तो उसकी एक्सटेंशन .html लाजमी रखनी है, क्योंकि बेसिकली HTML ने क्योंकि कहाँ रन होना होता है, ब्राउजर पर रन होना होता है। तो ब्राउजर पे अगर हम अपनी HTML की फाइल को रन करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि इसकी एक्सटेंशन क्या हो, .html, और उसका नेम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं उसका नेम रख देता हूँ इंडेक्स, और फिलहाल मैं उसकी एक्सटेंशन चेंज नहीं करता। तो बाय डिफॉल्ट जो फाइल क्रिएट की है उसकी एक्सटेंशन क्या है, .txt, यानी टेक्स्ट फाइल है। और अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ओपन करने के बाद ये देखिए सिंपल नोटपैड के अंदर ओपन हो रही है, ठीक है। लेकिन मैं तो इसको चाह रहा हूं ब्राउजर के अंदर ओपन हो, तो उसके लिए जरूरी है कि इसकी एक्सटेंशन हम लोगों ने क्या रखनी है, .html रखनी है। तो यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन चेंज कर देते हैं। जैसे हम इसकी एक्सटेंशन HTML रखेंगे तो जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा वो इसके ऊपर नजर आएगा, जैसे कि मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर है गूगल क्रोम, और अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस कंप्लीट फोल्डर को अपने VS कोड के अंदर जो है वो ओपन करना है। तो दो तरीकेकार है, एक तरीकेकार ये कि आप जिस फोल्डर को ओपन करना चाह रहे हैं उसके अंदर आए और यहाँ पे टाइप करें CMD, ये कमांड इंटरफेस, और यहाँ पे हम लोग एक कमांड रन करेंगे कोड स्पेस डॉट, और ये कमांड सिर्फ और सिर्फ VS कोड के लिए काम कर रही है, किसी और कोड एडिटर के लिए काम नहीं करेगी, जैसे सब्लाइम टेक्स्ट, एटम, इन तमाम सॉफ्टवेयर के लिए उनकी रेलिवेंट कमांड आपने इंटरनेट से देख लेनी है। और ये कमांड सिर्फ और सिर्फ VS कोड के लिए काम करेगी। एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद ये भी करके यहाँ से ओपन फोल्डर पे क्लिक करके आप जो भी अपना फोल्डर ओपन करना चाह रहे हैं ओपन कर सकते हैं, कोई फाइल ओपन करना चाह रहे हैं वो भी ओपन कर सकते हैं, नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें। और नीचे अगर आ जाए तो यहाँ पे मैंने ऑटो सेव की ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट की हुई है। ये ऑटो सेव की ऑप्शन इसलिए मैंने सिलेक्ट की हुई है कि जब जब हम लोग HTML के कोड के अंदर कोई भी चीज एडिट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, डिलीट करेंगे, तो हमें बार बार कोड को क्या करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है, और बार बार ब्राउजर पे जाके क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, जब भी आपने HTML के कोड में कोई भी चेंजिंग करनी है तो उसको बार बार सेव करना है, और देन हमने उसको क्या करना है, ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करना है, ताकि जो चेंजिंग हमने कोड में की हुई है वो ब्राउजर पे इंप्लीमेंट हो जाए। सो आप चलते हैं और देखते हैं कि HTML का स्ट्रक्चर किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो HTML के अंदर बेसिकली क्या है, टैग्स है। तो क्योंकि हम लोग HTML यूज करने जा रहे हैं तो सबसे पहला जो टैग हमारे पास आएगा वो है HTML का टैग है। और टैग लिखने के लिए क्या यूज करना है, एंगल ब्रैकेट यूज करेंगे HTML का टैग ऊपर, और जिस चीज का टैग हम लोगों ने ऊपर कर दिया उस चीज का टैग हमने क्या करना है, क्लोज भी करना है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे HTML के बाद हमारे पास जो HTML के अंदर टैग आएगा वो है हेड का टैग। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, हेड, और यहाँ पे हेड का टैग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। हेड के बाद हमारे पास टैग आता है बॉडी का, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बॉडी का टैग क्लोज कर दिया। और ये बेसिकली हमारे पास HTML का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। एक तो तरीका अगर ये कि मैंने हर चीज का टैग ओपन किया, क्लोज किया, और ये बेसिक हमारे पास स्ट्रक्चर, और ये बार बार रिपीट नहीं होगा, एक पेज के अंदर एक ही दफा आपने स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, ठीक है। हेड जो है वो हमारी बॉडी के हेड की तरह पूरी वेबसाइट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, और जो चीज हम लोग ब्राउजर पे दिखाना चाह रहे हैं वो चीज हम लोग कहां पे डिफाइन करेंगे, बॉडी के अंदर डिफाइन करेंगे, ओके। सो अब दूसरा शॉर्टकट क्या है, हमारे पास VS कोड के अंदर बेसिकली क्या होता है, एमएड की एब्रीवेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो हमें पूरा टैग लिखने की जरूरत नहीं, हम जस्ट सिंपल लिखेंगे HTML, एंटर हिट करेंगे तो HTML का टैग ऑटोमेटिकली ओपन भी हो जाएगा और क्लोज भी हो जाएगा। सेम एज इट इज अगर हम हेड का टैग क्रिएट करना चाह रहे हैं, हेड एंटर करेंगे तो हेड का टैग ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्लोज हो गया। लेकिन ये तमाम आपने चीजें अटेम्प्ट करने से पहले ये माइंड में रखना है कि आपकी फाइल सेव हो प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद एक और शॉर्टकट की है, वो भी है कि आपकी फाइल पहले जो वो सेव होनी चाहिए, उसके बाद ये काम करेगी। आपने सिंपल क्या लिखना है, शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क लिखना है, एंटर हिट करेंगे तो ये कंप्लीट हमने उसने स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे दिया। अब इसके अंदर ये 2-3 चीजें एक्स्ट्रा हैं, इनके हमें भी जरूरत नहीं है, लेकिन लेटर ऑन हम आने वाली वीडियोस के अंदर इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वक्त हमें सिर्फ इसी चीज की जरूरत है। अगर यहाँ पे फर्स्ट लाइन के अंदर देखें तो हमारे पास लिखा हुआ डॉक टाइप, डॉक टाइप का मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप, और बेसिकली हम लोग HTML 5 के लिए यूज करते हैं, बेसिकली ब्राउजर को बता रहे हैं हम HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ लैंग, लैंग का मतलब होता है लैंग्वेज, जो बाय डिफॉल्ट का है इंग्लिश, यहाँ पे लिखे ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद हेड के अंदर एक टैग आ गया है, टाइटल का टैग। टाइटल का टैग क्या करता है, बेसिकली हमारे वेबसाइट का क्या नेम है या जिस वेब पेज पे हम काम करें उसका जो टाइटल आपने डिफाइन करा है, यहाँ पे हम लोग टाइटल डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर था, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियोज में देखते हैं मजीद HTML के टैग्स को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।